Good morning, all the students of class 5. कल एक कविता पोएम पढ़ाए द ट्रूथ, उसी का आंसर क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसका यहाँ जवाब हम लिख रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, से व्हाट यू वांट मीन व्हाट यू से दिस लाइन्स मीन, तुम क्या कहना चाहते हो इसका तुम क्या कहते हो, यानी कल बताए थे कि वही कहना चाहिए जो आदमी सोचता है, वही आगे भी प्रदर्शित करे, कभी भी गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहिए। इसी लाइन का है, दिस लाइन मीन्स वन का है, वन शुड नॉट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, वन का बी है छूट गया है, हम लिख देते हैं, तो वन शुड नॉट मेक फॉल्स, किसी से गलत वादा नहीं करनी, किसी को भी किसी से गलत वादा नहीं करने, वन शुड किसी को शुड नॉट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, किसी से गलत वादा नहीं करने। दूसरा क्वेश्चन, बी हु यू आर डू एज यू प्लीज, इसका अर्थ हुआ कि आप वही बी हु यू आर, आप जो है वही रहिए, यानी आप हमेशा नेचुरल रहिए, किसी का नकल मत कीजिए और वही काम कीजिए जो दूसरों को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा। ये किसी का जवाब हुआ, बी नेचुरल नॉट कॉपी अदर पीपल, हमेशा स्वाभाविक बनिए और दूसरे का नकल नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, द ट्रू थिंग इज द इन ऑफ ए मास्टरी डिश, इसका जवाब हुआ, ट्रूथ इज ओनली थिंग दैट कैन रिमूव ऑल कंफ्यूजन, सत्य एक ऐसा चीज है जो सभी संशय को हटाता है, दूर करता है। फोर नंबर, द ट्रूथ इज आउट देयर द सर्च इज नॉट इन वैन, दिस मीन्स इसका अर्थ हुआ कि कर्तव्यनिष्ठ बनना तो कठिन है लेकिन सत्य की खोज करना हमेशा सम्मानीय है, हमेशा वह सम्मान की युक्त चीज होता है। तो इसका जवाब हुआ फोर का, द सर्च फॉर ट्रूथ इज ऑलवेज रिवार्डिंग। और फाइव नंबर, द ट्रूथ इज गोल वी ऑल मस्ट अचीव, हियर द नरेटर वांट टू से ट्रूथ लक्ष्य है और हम सभी को प्राप्त करना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन का एसेंशियल पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट है। इसका जवाब हुआ, वी शुड ट्राई टू बी ट्रूथफुल ऑल द टाइम, यानी सभी समय हम लोग को कर्तव्यनिष्ठ होने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, इसलिए हमेशा हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम सत्यनिष्ठ बने, कर्मनिष्ठ बने और जीवन में आगे पाल जाए। आंसर दिस क्वेश्चन, ये आंसर क्वेश्चन है, पहला आंसर का जवाब है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन लीड अस टू सी द डार्क लाइट ऑफ द डे फॉर यू, आपके अनुसार क्या ऐसी ऐसा चीज है जो आपको दुखद दिन को दिखाता है, तो टेलिंग लाइट यानी झूठ बोलना, मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस, झूठा वादा करना, यह हमें दुखद दिन को दिखाता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेड दैट द ट्रूथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू टू योर, यानी इस पंक्ति का कहने का कवि का क्या अर्थ है, द पोएट मीन्स
पोएट का कहने का अर्थ है कि ट्रूथ विल मेक वन हम्बल। ट्रूथ हम को क्या बनाता है? हम्बल, विनम्र बनाता है, नेक बनाता है। इट विल कंक्यूअर द प्राइड एंड एवरेंस इन वन। यह क्या करता है कि हमारे घमंड, हमारे अज्ञानता पर विजय प्राप्त करने में मदद करता है। यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डू यू थिंक डेली लाइफ में गेट यू इन टू इम्ब्रेसिंग सिचुएशन। क्या आप सोच सकते हैं कि झूठ बोलना हम लोग को दुखद स्थिति में पहुंचाता है? इसी का एक्सप्लेन करना है। इसका जवाब है लायर एंड बैड मैनर एंड झूठा व्यक्ति और दुर्व्यवहार करने वाले लोग ऑलवेज क्रिएट न्यूसेंस इन आवर सोसाइटी। हमारे समाज में भी हमेशा उपद्रव पैदा करते हैं। सो इसलिए एक एग्जैक्टली सेड दैट, इसलिए सही कहा गया है टू टेल ए लाई इज ए सिन, झूठ बोलना पाप होता है। सो आई थिंक दैट, इसलिए मैं सोचता हूँ कि टेली लाई मे गेट मी इन टू एम्ब्रेसिंग सिचुएशन, कि झूठ बोलने से आदमी दुखद स्थिति को पाता है, ऐसा मेरा विचार। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, वेयर कैन यू फाइंड ट्रूथ। आप सच्चाई को कैसे पा सकते हैं, कहाँ पा सकते हैं, वेयर कहाँ पा सकते हैं? द पोएट इम्फेसाइजेज दैट, कवि जोर देता है कि ट्रूथ इज एवरीवेयर, सत्य सभी जगह, जिस तरह से गॉड इज एवरीवेयर उस तरह से ट्रूथ इज एवरीवेयर, यानी सत्य सभी जगह है। एंड वन सर्च फॉर ट्रूथ, और किसी कोई भी व्यक्ति अगर सच्चाई को खोजता है विल नेवर गो इन वेन, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इट इज देयर ऑल अराउंड अस, यह हमारे चारों तरफ है, यहाँ तक कि वर्षा में। फाइव नंबर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द गोल वी ऑल मस्ट अचीव। वह क्या लक्ष्य है जो हम सभी को अवश्य प्राप्त करना चाहिए? ट्रूथ इज द गोल, सत्य ही एक ऐसा लक्ष्य है कि दैट वी ऑल मस्ट अचीव, हम सभी को प्राप्त करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि टेलिंग लाइफ में लीड अस टू फेस इम्ब्रेसिंग सिचुएशन इन लाइफ, यानी झूठ बोलना दुखद स्थिति, जीवन में दुखद स्थिति के को सामना करने के लिए बढ़ावा देता है। एंड जब आप झूठ बोलेंगे तो जीवन में दुखद स्थिति आपके सामने प्रकट होगा। मोर एवर यद्यपि ट्रूथ हेल्प वन रिमेन हम्बल एंड अर्नेस्ट इन लाइफ। यद्यपि ट्रूथ जो है वह क्या करता है, मदद करता है, हेल्प्स वन, किसी को भी वह मदद करता है रिमेन हम्बल, विनम्र बने रहने में और अर्नेस्ट इन लाइफ, जीवन में सुखी रहने में वह मदद करता है।